हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरा लेग वर्कआउट है और बहुत टाइम बाद मैं लेग वर्कआउट परफॉर्म करने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बस 2 हफ्तों का जो गैप था वो थोड़ा सा हो गया था क्योंकि मैं औरंगाबाद से पुणे शिफ्ट हुआ हूँ एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट वीडियो इन पुणे। नया जिम है, नया जिम ज्वाइन किया है तो वहाँ पर मेरा पहला लेग वर्कआउट है। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो टोटली न्यू तो नहीं कह सकते, लेकिन रबर प्लेट्स के साथ ट्रेन करे हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 से 2 साल हो चुके हैं मुझे रबर प्लेट्स पे ट्रेन करे हुए। तो मैं जो पहले औरंगाबाद में जिम में ट्रेन करता था तो वो सारे प्लेट्स जो थे वो आयरन के थे, प्योर जिसको हम लोहा बोलते हैं उसके प्लेट्स थे। तो ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ जिम था, तो ये बहुत ही न्यू स्कूल टाइप का जिम है। तो अभी देखते हैं कि कैसा जाता है, कैसा परफॉर्म होता है। पीआर आज हिट करने की कोशिश नहीं करूंगा मैं क्योंकि 2 हफ्तों का गैप हो चुका है और स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा यू नो इम्पैक्ट पड़ जाता है जब आपका गैप होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैक्सिमम हो सके मुझसे मैक्स टू मैक्स फॉर 2 to 3 रिपीटेशंस में उतना ट्राई करूंगा। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द जिम। नाउ अ फ्यू पीपल वर आस्किंग मी कि यार स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाए। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड में ट्रेन करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब सिंपल टर्म से बता देता हूँ कि आपका जो आप नॉर्मली जो वेट लगाते हो जिम के अंदर, इफ सपोज आप बेंच प्रेस लगा रहे हो उस पर 60 kgs कर रहे हो, तो आपको धीरे धीरे करके यू नो वेट बढ़ाते जाना है। 65 होगा, फिर 70 होगा, फिर 75, 80, ऐसे धीरे धीरे करके आपको यू नो मॉनिटर करते रहना है। आपको लिख के रखना है कहीं, तो नहीं तो अपने मोबाइल पर नोट करते रहना है कि पिछले हफ्ते मैंने इतना किया था, ये हफ्ते मैं ये करूँगा, ठीक है। तो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड में करना पड़ेगा, रेप्स आपके बढ़ाने पड़ेंगे, रिपीटेशन जितने आप लगाते हो उस वेट के अकॉर्डिंग आपको रेप्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सेकेंड थिंग इज कि आपको अगर स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो आपको स्पेसिफिक स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेस पे ही परफॉर्म यू नो फोकस रखना चाहिए। आजकल बहुत सारे फैंसी वर्कआउट्स हैं जो इंस्टाग्राम पे आप देखते हो, यू नो नॉनसेंस एक्सरसाइज, नॉनसेंस वर्कआउट्स मैं कह सकता हूँ कि जिनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल एक्सरसाइज आप जिम में परफॉर्म करते हो बस उसी को करते रहना है और उसी को प्रोग्रेसिव ओवरलोड में ट्रेन करते रहना है। आपको यू नो ऐसे कोई भी एक्सरसाइजेस नहीं करने जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट दिखते यू नो ये जो लोग होते हैं वो व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी वर्कआउट बोल देते हैं और फिर आपको इंजरीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपको जब स्ट्रेंथ बढ़ाने की यू नो आप जब ट्राई कर रहे हो स्ट्रेंथ बढ़ाना, तो अब धीरे धीरे करना है। ऐसा नहीं कि आज आप 50 kg का डेडलिफ्ट लगाते हो और 2 हफ्ते बाद आप ये एक्सपेक्ट करो कि मेरा डेडलिफ्ट 100 या 110 तक पहुंचना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा करोगे यू नो आप अगर अपने बॉडी को कुछ ज़्यादा ही पुश करोगे तो आपको इंजरीज के चांसेस हो सकते हैं और फिर कभी आप शायद जिम ना जा पाओ क्योंकि इंजरीज बहुत ज़्यादा बुरी होती है। अगर इधर उधर थोड़ी सी भी गलती से आप कोई मिस्टेक हो जाती है तो इंजरीज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और आपका जिम जाना शायद बंद हो सकता है। तो धीरे धीरे आपका डाइट सही से रखो, यू नो कम्प्लीटली प्लान चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसी प्लान के साथ सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको करते रहना है और चेंजेस आपको नोटिसबली दिखेंगे। कुछ हफ्तों बाद आप खुद में ही यू नो चेंजेस लेके आओगे आई एम श्योर। अगर आप ये सारे चीज़ें फॉलो करते हो ठीक से तो आपका स्ट्रेंथ जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा।
दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो गाइस. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. और मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा, और आगे चलते मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जैसे कि कैसे वर्कआउट परफॉर्म करना है. आज तो मैंने सिर्फ आपको क्लिप्स दिखाए, तो अगले वीडियो से मैं आपको कैसे वर्कआउट परफॉर्म करना है अच्छी तरीके से अच्छे फॉर्म के साथ, ये सब सिखाऊंगा. टिल देन साइनिंग ऑफ, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन.